अन्न के भंडारों से एक एक कण को एकत्रित कर लिया गया है आचार्य। सभी शवों को जला दिया गया है। शीघ्र ही हम इस महामारी पर नियंत्रण पा लेंगे। चिकित्सा शिविर से भी सूचना आई है, वहां भी रोगियों की दशा स्थिर है। रोगी सैनिकों को अलग स्थान दे दिया गया है ताकि उनका संक्रमण और सैनिकों में ना फैले। 2000 रोगियों में से 500 की मृत्यु हो चुकी है। अन्य का उपचार आचार्य और उनके सेवकों द्वारा किया जा रहा है। गुरु, तुम किस विचार में लीन हो? मेरे मन में एक प्रश्न उत्पन्न हो रहा है आचार्य, इस रोग का प्रभाव हम पर क्यों नहीं पड़ा? पूरा राज परिवार रोगों के संपर्क में था, फिर भी हम में से कोई भी अस्वस्थ नहीं हुआ। क्या कारण है इसके पीछे? इसका कारण है रोग प्रतिरोधक क्षमता। हमारे सैनिक घायल थे, जिस कारण इस रोग ने उन्हें तुरंत जकड़ लिया। परंतु राज परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए अनेक विशेष व्यवस्थाएं की जाती। आपका तात्पर्य क्या है आचार्य? जिस दिन से मैं यहां आया, उस दिन से राज परिवार के प्रत्येक सदस्य को प्रतिदिन नियमित रूप से इसका सेवन कराया जा रहा है। किंतु उसमें ऐसा है क्या आचार्य? हल्दी, नीम और तुलसी का मिश्रण, इन तीनों का आयुर्वेद में विशेष महत्व है। और इन तीनों के मिश्रण से तैयार हुआ यह पदार्थ व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, उसे रोगी होने से एवं संक्रमित होने से बचाता है। तो राज भंडार में कितना भाग और शेष है आचार्य? इतना कि राज परिवार के सदस्य 2 माह तक निश्चिंत होकर इसका सेवन कर सकते हैं। और यदि यह सारी सामग्री हमने अपनी प्रजा में बांट दी तो लगभग कितने दिनों के लिए उपलब्ध रहेगी? यदि इसे प्रजा में बराबर भाग में बांटा तो 3 दिन के पश्चात यह पदार्थ समाप्त हो जाएगा। तो ठीक है आचार्य, सारी सामग्री को प्रजा में बांट दिया जाए। मैं अधिक से अधिक लोगों को इस रोग से बचाना चाहता हूं। तुम ऐसा नहीं कर सकते पुरु, क्योंकि एक राजा के प्राण उसकी प्रजा के प्राणों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। उचित कह रहे हैं आप आचार्य, किंतु प्रजा ही राजा के अस्तित्व का आधार है। यदि राज परिवार इस सामग्री का उपयोग करेगा तो पूरी प्रजा इसका उपयोग हमारे साथ करेगी। भले ही 3 दिनों के पश्चात ये सामग्री समाप्त हो जाए, पर उसके बाद जो भी होगा उसको राजा और प्रजा मिलकर एक साथ सहेंगे। महाराज पुरु, आपके इस कथन ने मेरे हृदय में आपके लिए सम्मान और अधिक बढ़ा दिया। ये सुझाव आपको मैं भी दे सकता था, परंतु उससे कहीं अधिक आवश्यक यह था कि त्याग की यह भावना स्वयं आपके हृदय में आती। जो राजा स्वयं से पहले अपनी प्रजा के हित के बारे में सोचता है, उसका सम्मान सारा जगत करता है। हम अपनी सेना को आदेश देते हैं कि इस औषधि को प्रजा में बांट दे। 3 दिन में तो हस्ती भी खाद्यान्न लेके सिंध से लौट आएगा। ये लोग तो हर परिस्थिति और कठिनाई का कोई ना कोई हल निकाले ही जा रहे हैं, अब हम क्या करेंगे? हम भी हम नहीं, कोई और करेगा। मां, गुरु के मनोबल को पूर्णतः तोड़ने का प्रबंध मैं कर चुका हूं पहले। Thank you.
अंबी कुमार ने अपना काम बहुत जल्द निपटा दिया। अब वक्त आ गया है कुछ बड़ा करने का। मैं चाहता हूं पोरस अपने घुटनों के बल आकर मुझसे माफी मांगे, और यह तभी मुमकिन होगा जब वो अपनी आवाम को भूख और बीमारियों से तड़पता देखेगा। लीटस, मालूमात करो कि हस्ती ने पौरव मुल्क जाने के लिए कौन सा रास्ता चुना है। पौरव मुल्क में रसद और खाना ना पहुंचे, इसी वक्त जाओ। अलेक्जेंडर की हुकूमत में तुम सब केवल एक गुलाम बनकर रह गए, एक जाबाज गुलाम। और इस बात का एहसास तुम्हें जितनी जल्दी होगा तुम्हारे लिए उतना ही बेहतर होगा। क्या हुआ, तुम्हें मेरे फैसले से कोई एतराज है? मैं सोच रहा था शाह कि क्या किसी मुल्क को जीतने के लिए ये रास्ता इख्तियार करना मुनासिब होगा। पहले तो हमने उनके पास सिपाहियों की लाशें भिजवा दी ताकि वहां महामारी फैल जाए, और अब हम उनकी रसद पहुंचने पर पाबंदी लगा रहे हैं। ये कैसी जंग है शाह? हम एक फौजी हैं शाह, हमें उनकी जमीन मैदान जंग में लड़कर उनसे हासिल करनी चाहिए। शक है कि आपकी तरकीब हमें फतह हासिल करा भी पाएगी या नहीं। हमें नहीं क्लेटस, मुझे। अब जंग कैसे फतह करनी है ये तुम मुझे सिखाओगे। याद रहे क्लेटस, बिना मांगे मुझे कोई सलाह दे मुझे पसंद नहीं। तुम मेरे सिपे सलार हो और तुम्हारा फर्ज है मेरे हुक्म की तामील करना, क्या मुनासिब है और क्या नहीं ये बताना नहीं। मेरा हुक्म तुम्हारे लिए फरमान है, इसलिए बहस करना बंद करो और जैसा मैं कहता हूं वैसा करो, समझे? वासियों, एक घड़ी विपदा की नहीं, इस समय परीक्षा का है। विपदा हमें भटकाती है, हमारे बीच मतभेद पैदा करती है, जबकि परीक्षा हमें अधिक दृढ़ बनाती है। आज पौरव राष्ट्र के राजा के रूप में गर्व है मुझे कि मेरे हर निर्णय में मेरी ये प्रजा, मेरा ये परिवार सदैव मेरे साथ अधिक खड़ा रहता है। हर्ष है मुझे कि मेरे इस नेतृत्व पर आप सभी ने अपना विश्वास दिखाया, अपने घरों से अन्न का एक एक दाना लाकर इस अग्नि में समर्पित कर दिया। इस संयोग पर गर्व है मुझे। मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूं कि आपके इस विश्वास की डोर को मैं कभी टूटने नहीं दूंगा। विश्वास दिलाता हूं कि आप सभी को भोजन शीघ्र प्राप्त होगा।
यहाँ संकट है, जल्दी से आगे बढ़ो। हमें भोजन कभी मिलेगा? तुम्हें शीघ्र ही स्वादिष्ट भोजन प्राप्त होगा। यशचंद्र, हस्ती को तो अब तक आ जाना चाहिए था। बहुत समय हो गया है, अब तक तो उसे यहां पहुंच जाना चाहिए था। भगवान करे हस्ती सकुशल हो। ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूं पुरु, परंतु सब कुछ ठीक नहीं है। भोजन सामग्री को पर्वत की चोटी तक लेके जाओ, वहां यह सुरक्षित रहेगा। जलकार हो! सावधानी से, बिना किसी की दृष्टि में आए पर्वत की चोटी पर चढ़ो। हमें इस सारी भोजन सामग्री खाटी में फेंकनी होगी। हम इसे पौरव राष्ट्र तक पहुंचने नहीं दे सकते, समझे? जाओ। हमने सब कुछ खो दिया पुरु। मैंने तुम्हें निराश किया है। अलेक्जेंडर से हम भोजन सामग्री नहीं बचा पाए। स्थिति अब हमारे नियंत्रण से बाहर है पुरु। पहले हमारे सामने आशा की एक किरण थी कि हस्ती सिंध से खाद्य सामग्री ले आएगा, किंतु अब अलेक्जेंडर ने वो किरण भी बुझा दी है। प्रजा के सामने कोई मार्ग नहीं, वो भूख से मर जाएगी। हमारा दायित्व है कि हम इस समस्या का हल निकालें। भोली भाली प्रजा का क्या दोष? पौरव श्रेष्ठ का कथन उचित है पुरु। युद्ध केवल सैनिकों के साथ ही नहीं, प्रजा की आशा के साथ भी लड़ा जाता। और यदि यह आशा टूट जाए तो चुनौतियों का सामना करना असंभव हो जाता है।
अखंड भारत का स्वप्न भूखी प्रजा के साथ नहीं पूरा किया जा सकता पुरु, क्योंकि प्रजा उसी राजा के साथ खड़ी होती है जो उन्हें भोजन और सुरक्षा दे सके। लो अलेक्जेंडर, पोरस पर तुम्हारी फतेह और उसके मुल्क की आवाम की भुखमरी का जश्न मनाते हैं। जाओ और हमारे सारे सिपाहियों को दावत दो, सिपाहियों की मेजें खाली नहीं रहनी चाहिए। ये सिर्फ खाना नहीं है मां, ये पौरा आवाम का ख्वाब है, वो ख्वाब जिसे पूरा करने के लिए पोरस की आवाम जल्दी उसके खिलाफ होगी। मुझे विश्वास है कि मेरी प्रजा मेरे विरुद्ध कभी नहीं खड़ी होगी। कठिन से कठिन परिस्थिति में वो मेरे साथ चट्टान की भांति खड़े रहेंगे। भूख किसी राजनीतिक तर्क वितर्क या युद्ध में विजय प्राप्त करने से शांत नहीं होगी, उनकी भूख केवल भोजन से शांत होगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे लोग अलेक्जेंडर के सामने अपने आत्मसम्मान को खोने से पहले इस भूख से मरना श्रेय समझेंगे। किंतु ये हुआ कैसे? हमारे गुप्तचरों ने हमें सोचना क्यों नहीं दी कि अलेक्जेंडर की योजना क्या है? अलेक्जेंडर से डर कर सभी पड़ोसी राज्य ने अपनी सीमाएं बंद कर दी, तो फिर गुप्तचरों ने अलेक्जेंडर को यह सूचना कैसे दी हो कि हस्ती भोजन सामग्री लेके सिंध से निकल चुका है? उचित कहा। तक्षला में मेरे विश्वास पात्र भी ये नहीं जानते थे कि हस्ती हमारे लिए भोजन व्यवस्था करने गया है। आश्चर्य की बात है, फिर इसकी सूचना अलेक्जेंडर को कैसे प्राप्त हुई? यह आक्रमण आकस्मिक नहीं था, यह आक्रमण योजना पूर्वक किया गया है। यहां तक कि उसे उस मार्ग की सूचना भी थी जिस मार्ग से मैं आ रहा था। पर कैसे कैसे हस्ती? वो कौन है जिसने अलेक्जेंडर को यह सूचना दी? दुश्मन को हराने से ज्यादा मजा उसे तड़पता देखने में। मैं पोरस की वही हालत देखना चाहता हूँ। वो हमारी इस माटी पर अधिकार करना चाहता है, पर आज हम उसे अलेक्जेंडर को ये दिखाएंगे कि हम भारतीय किस माटी से बने हैं।